Hello dear students, now I am going to solve class 1st mathematics Prachi publication. It is chapter number 3 addition, page number 41. Page number 41 पर हमारा topic है addition on number line. Suppose हमें number line पर addition करना है तो हमें किस तरह से add करना होगा. हमें एक example दिया है, we want to add 3 plus 6. तो सबसे first jump 3 पे है, हम box में लिखेंगे 3. उसके बाद कितने डिजिट्स जंप किए हमने, 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स जंप किए, तो यहाँ लिखेंगे 6. और लास्ट में हमारा आंसर आ रहा है 9, तो इस बॉक्स में हमें क्या लिखना है, 9. एक बार फिर से आप अच्छे से समझ लीजिए कैसे आपको करना है. सबसे फर्स्ट जंप 3 पे है तो फर्स्ट बॉक्स में क्या लिखेंगे, 3. उसके बाद लास्ट में काउंट करेंगे कितने डिजिट्स आपने जंप किए हैं, 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स जंप किए हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे 6. और लास्ट में आपका जो आंसर आ रहा है, लास्ट जंप जहाँ पे, वो आपका फाइनल आंसर है, तो ये आंसर हम यहाँ लिखेंगे 9. इस तरह से आपको नंबर लाइन पर एडिशन करना है. पेज नंबर 42 पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिसको आपको कंप्लीट करना है. सबसे फर्स्ट जंप है 4 पर, उसके बाद 1 2 3 4 5 जंप्स हैं, और लास्ट में आंसर आ रहा है आपका 9. सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे. सबसे फर्स्ट जंप है आपका 5 पर, उसके बाद आपने किए हैं 1 2 3 जंप्स, और आपका लास्ट आंसर आ रहा है 8. इसी तरह से सबसे फर्स्ट जंप है आपका 2 पर, उसके बाद आपने जंप किए हैं 1 2 3 4 जंप, और आपका लास्ट में आंसर आ रहा है 6. इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए फर्स्ट जंप है आपका 4, उसके बाद आपने जंप्स किए हैं 3, और आपका आंसर आ रहा है 7. और लास्ट में आपका है आंसर, जंप आपका सबसे फर्स्ट है 6 पर, उसके बाद आपने 2 जंप्स किए हैं, आपका लास्ट आंसर आ रहा है 8. इस तरह से आपको अपना पेज नंबर 42 बुक में कंप्लीट करना है. पेज नंबर 43 पर आपका टॉपिक है ऐड एंड मैच. आपको ऐड करना है और मैच करना है. जैसे 1 + 3 कितना होता है, 4. 3 + 3 कितना होता है, 6. 4 + 3 कितना होता है, 7. और 2 + 3 कितना होता है, 5. अब इसी प्रोसेस को आप कैसे कंटिन्यू करेंगे, देखिए 4 + 2 कितना होगा, 6. देन 6 + 2 कितना होता है, 6 + 2 8. उसके बाद 5 में अगर 2 प्लस करते हैं तो 5 + 2 कितना होता है, 7. और 3 + 2 कितना होगा, 3 + 2 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 5. ऐसे आपको एरो बना के लाइन से इस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है. आपको मैच करते जाना है सिर्फ. देखिए 1 + 5 6 मैच कर दिया, 0 + 5 5 मैच कर दिया, फिर 4 + 5 कितना होता है, 9. और 3 + 5 कितना होता है, 8. इस तरह से आपको मैच करना है. ये लास्ट क्वेश्चन जो है ये आपका होमवर्क होगा, इसे आप कंप्लीट कर लीजिए. इसी पर आपको नीचे एक और एक्टिविटी गिवन है, फिल इन द बॉक्सेस. आपको एडिशन करना है और बॉक्स फिल करते जाना है. 4 + 3 7 4 + 2 6 2 + 2 4 3 + 2 5 6 + 2 8. अब आपको एडिशन बहुत अच्छे से आ चुके हैं. ये सारे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप एक बार फिर से स्ट्रोक्स डाल के एडिशन कर लीजिए, आपको अपने रिक्वायर्ड आंसर मिलते जाएंगे. नेक्स्ट पेज नंबर है हमारा पेज नंबर 44. पेज नंबर 44 पे हमें मैच द फॉलोइंग दिए हैं. यहाँ हमें वर्ड प्रॉब्लम को राइट आंसर से मैच करना है. मैं फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम आपके लिए एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है. राम बायस 6 बॉल्स एंड हिज ब्रदर बायस 3 बॉल्स. हाउ मेनी बॉल्स डू दे बाय इन ऑल. अगर राम ने 6 बॉल्स परचेस किया, उनके ब्रदर ने 3 बॉल्स परचेस की, तो टोटल कितनी बॉल्स हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो आप इसे किससे मैच करेंगे, 9 से. इसी तरह से आपको इस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको नंबर्स गिवन है. देयर आर 6 माइस इन वन रूम एंड 2 माइस इन अनदर रूम. हाउ मेनी माइस आर देयर इन ऑल. आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो आप इसे किससे मैच कर दीजिए, 8 से. इस तरह से आप एरो डाल के इसको मैच कर दीजिए. ठीक है, तो नेक्स्ट टू क्वेश्चंस जो हैं ये आपको अपने होमवर्क में करना है. क्वेश्चन नंबर 3 और 4 अब आप खुद रीड कीजिए और इसे राइट आंसर से मैच कर दीजिए. यहाँ आपका पेज नंबर 44 कंप्लीट हो जाता है. वी विल सॉल्व पेज नंबर 45. पेज नंबर 45 पे हमें वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन है. द फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम इज
श्याम हैड टू टॉफीज, सीता गेव हिम थ्री मोर टॉफीज, हाउ मैनी टॉफीज डिड श्याम हैव नाउ। श्याम के पास पहले टू टॉफीज थी, फिर सीता ने उसे थ्री टॉफीज और दे दी, तो टोटल कितनी टॉफीज हुई हमें काउंट करना है, 1 2 3 4 5। यहाँ पे आप आंसर लिखेंगे 5। सेकेंड वर्ड प्रॉब्लम है, आई हैव 4 मैंगोज, माई सिस्टर हैज 3 मैंगोज, हाउ मैनी मैंगोज डू वी हैव। मेरे पास ऑलरेडी 4 मैंगोज हैं, मेरी सिस्टर ने मुझे 3 मैंगोज दिए, तो टोटल कितने मैंगोज होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। थर्ड वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं, देयर आर 5 बर्ड्स ऑन द ब्रांच एंड 4 बर्ड्स ऑन द अदर, हाउ मैनी बर्ड्स आर देयर ऑन 2 ब्रांचेस। एक ब्रांच पे 5 बर्ड्स हैं, सेकेंड ब्रांच पे 4 बर्ड्स हैं, टोटल कितने बर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह से आपको आंसर लिखना है 9। द लास्ट वर्ड प्रॉब्लम ऑफ दैट पेज इज, अ जगलर हैज 4 मंकीज एंड 2 बियर्स, हाउ मैनी एनिमल्स डज द जगलर हैव, 4 मंकीज 2 बियर, टोटल कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, टोटल आप लिखेंगे 6। इस तरह से आपका पेज नंबर 45 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब मैं आपको इस चैप्टर के लास्ट में बताने जा रही हूँ पेज नंबर 46 पर गिवन एक्टिविटी। एक्टिविटी बहुत अच्छी है आपके माइंड के लिए, आपके एडिशन के लिए, आपको प्रैक्टिस में बहुत हेल्प करेगी। आपको क्या करना है, ये बॉक्स कंप्लीट करने हैं। मैं आपको एक बॉक्स समझाऊंगी, उसी को फॉलो करते हुए इस पेज पे आपको 4 बॉक्सेस दिए हैं, 1 मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, उसी को आप यूज़ करते हुए बाकी 3 कंप्लीट करेंगे। कैसे कंप्लीट करना है ध्यान से देखिए, आपको ऐड करना है 1 + 1 2, देन 1 + 2 3, देन 1 + 3 4। आपको पहले 1 में पूरे 3 डिजिट्स प्लस करके ये लाइन कंप्लीट करनी है, फिर आप 2 में 1 प्लस करेंगे 3, 2 + 2 4 एंड 2 + 3 5। आपको 2 में 1 2 3 को कंप्लीट करके एडिशन करके ये लाइन कंप्लीट करनी है, फिर आप 3 की लाइन लेंगे, 3 + 1 4, 3 + 2 5 एंड 3 + 3 6। तो आपको 3 में फिर 1 2 और 3 को ऐड करना है और आपकी ये लाइन कंप्लीट होगी। इस तरह से आप इस मेंटल एक्टिविटी को कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ मैंने ऑलरेडी 2 बॉक्स कंप्लीट कर रखे हैं और नेक्स्ट 2 जो बॉक्स हैं स्क्वायर बॉक्स, ये आपका होमवर्क है। यहाँ पर आपका चैप्टर एडिशन कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारे सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।